फिलिस्तीनी संगठन हमास और इसराइल के बीच ताजा संघर्ष ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। तीन बड़े युद्ध और कई हिंसक झड़पों का गवाह रहा पश्चिम एशिया का ये इलाका एक बार फिर जंग की आग में झुलसता नजर आ रहा है। पूरे योजनाबद्ध तरीके से इसराइल पर अचानक धावा बोलने वाले हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचा दिया है। करीब 1000 से अधिक आतंकी दक्षिणी इसराइल में घुसे हुए हैं। इसके तमाम वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इनमें खून से लथपथ महिलाएं रोती बिलखती दिखाई दे रही हैं और हमास के आतंकी उन पर अपना जोर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे ही एक वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसे जिसने देखा उसी का दिल दहल उठा। वीडियो में एक लड़की की लाश को ट्रक पर रखा हुआ देखा जा सकता है। इस पर आतंकी बैठे हैं, वो लाश के कपड़े उतारते हैं, उस पर थूकते हैं, बंदूकें दिखाकर इसराइल पर हमले का जश्न मनाते हैं। वो इस दौरान अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाते हैं। इनका मानना था कि इन्होंने इजरायल की महिला सैनिक को पकड़ा है, लेकिन अब इस लड़की की पहचान हो गई है। उसके साथ जो कुछ हुआ उससे उसका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। वीडियो में नजर आ रही युवती की पहचान जर्मनी की टैटू आर्टिस्ट शानी लाउक के रूप में हुई। शानी इसराइल में एक म्यूजिकल फेस्टिवल अटेंड करने आई थी। हमले वाले दिन हमास के आतंकियों ने अन्य नागरिकों के साथ शानी को भी पकड़ लिया था और फिर उसकी हत्या कर दी। 30 वर्षीय शानी के कजिन ने उसकी शिनाख्त टैटू और बालों से की। हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसपैठ की और अन्य लोगों के साथ ही शानी को भी किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्होंने 30 साल की शानी का मर्डर किया। परिवार को जब से इसकी जानकारी मिली है वो सदमे में है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार शानी की कजन तोमासिना वेंटॉब लाउक ने शानी की पहचान की। उन्होंने कहा कि परिवार ने शानी को उनके टैटू और बालों से पहचान लिया। वो कहती है, हमें कुछ नहीं पता, हम किसी सकारात्मक खबर की उम्मीद कर रहे हैं। वो वाकई में शानी है। वो एक शांति पर आयोजित म्यूजिकल फेस्टिवल में गई थी, लेकिन अब ये हमारे परिवार के लिए एक बुरा सपना है।